तो जल्दी से आप लोग भी आ जाइए, सेवई देखिए बन गया है, मुंह मीठा कर लीजिए। देख रहे हैं दोस्तों, पूरा किचन बर्बाद हो गया है, सारा सामान टूट फूट गया, सारा देख रहे हैं, सारा का सारा सामान बर्बाद हो गया, मड़ई पूरा गिर गया है। अब इसको ठीक करने में पता नहीं कितना दिन लगेगा, 7-8 साल में ये बनाई थी मैं किचन, 8 साल के बाद बनाई थी किचन, ये 8 साल लग गए थे किचन बनाने में। आप लोगों को बहुत पसंद आता था ये किचन, आज देखिए कैसा पड़ा है, जमीन पे पड़ा है। भैया लोग सब उठा उठा के ला रहे हैं, सब फूट गया है, देख रहे हैं सब, देखिए कैसे बर्बाद हुआ है सारा सामान, जितना किचन का सामान था सारा मिट्टी में मिल गया है, देख रहे हैं पूरा। अब तो गिर गया है, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, देख रहे हैं पूरा सामान। कितना अच्छा लगता था आप लोगों को ये किचन, फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना हटले ना खड़ा हो जाएंगे, सुनी ना, बिना हटले खड़ा कर दूंगा, बाद में छवाई खोर नहीं खेल, खोर मिलते नहीं खे, जिंगा बात है खड़ा कर दिलो, बाद में फिर हो। कीड़ा फतिंगा का दिन है, गर्मी और बरसात में ना कीड़ा फतिंगा चढ़ जाते हैं उधर खेत में से, सांप गुजर, वही बोल रही हूँ भैया लोगों को ठीक से करिएगा, सावधानी से, सावधानी तो जरूरी है। तो दोस्तों छत उठ गया, बहुत सारे लोग आए, छत उठ गया, देख रहे हैं रसगुल्ला खा लीजिए, आप भी मुँह मीठा कर लीजिए, और देखिए छत उठा दिए हैं पूरा एकदम मस्त पूरा। अगर आपको देखना है कैसे कैसे उठा है तो हमारे बोल रहे उस टाइम क्यों नहीं वीडियो बनाए आप, हमारा भोरे पर गए ना, रिकॉर्ड कर ले बानी, अनिता जी की दुनिया पे रिकॉर्ड है दोस्तों, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पे कैसे कैसे उठाए, क्योंकि कैमरामैन तो था नहीं, कैमरामैन मड़ई उठा रहा था। तो भैया लोग बोल रहे उठा रही है, हम अपना कैमरा से किए है रिकॉर्ड, फुल वीडियो अनिता जी की दुनिया पे आ चुका है, देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिता जी के किचन में। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को बहुत दिन से इंतजार था कि अनिता जी किचन कब ठीक होगा, कब आप किचन में रेसिपी बनाओगी, तो आज मड़ई किचन ठीक होने के खुशी में आज बनाएंगे हम कुछ मीठा, इतना स्वादिष्ट कि मतलब पुराने जमाने में बनता था और नए जमाने में भी बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको मड़ई दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा मड़ई बन चुका है, एकदम पहले जैसा ही आपको लुक मिलने वाला है। अभी हमारे किचन में सेटअप तो नहीं है दोस्तों, लेकिन सेटअप बहुत जल्द हो जाएगा, यहाँ पे मैं सेटअप करवा दूंगी। ये देख रहे हैं ना, अभी नया नया खम्बा ये है, तो ये सब हम बना देंगे ना, तो आपको पहले जैसा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम कुछ मीठा बनाएंगे मड़ई बनने की खुशी में, छत डलने की खुशी में। तो बहुत ही सुकून मिल रहा देख के, लग रहा है कि हाँ जिस चीज का हमें जरूरत था वो बन गया, और देख रहा है कितना बढ़िया लग रहा है। अभी कुछ ही दिनों में ये सज जाएगा, तो आपको जैसे पीछे हमारा वीडियो में देखते थे ना, बोलते थे कि अनिता जी आपका किचन बहुत सुंदर है, तो आप लोगों के सहयोग से दोस्तों, आप लोगों का प्यार से, आप लोगों का कहने से हमने दोबारा मड़ई फिर से तैयार कर लिया, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। और अभी तो गए हैं बच्चे, अच्छे थोड़ा सामान का इंतजाम करेंगे, अभी इसमें नया नया रेसिपी बना बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, खेतों में भी बहुत सारा सामान हुआ है। तो दोस्तों जैसे चिड़िया तिनका जोड़ के बनाती है ना अपना घर, वैसे ही तिनका जोड़ के इंसान भी बनाता है अपना घर, अपना किचन, अपने सपनों का किचन। तो मेरा भी सपना था कि किचन हो इको फ्रेंडली, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो दोस्तों इस किचन में तो जैसे गिर गया था ये, तो काफ़ी सारा सामान नुकसान हो गया, जैसे कि देखिए ये
लालटेन है ये भी टूट फूट गया है, देख रहे हैं। और बहुत सारा ये सब लकड़ियां तो गंदा हो ही गया है। जितना भी हमारा सजावट का सामान था पीछे जो मैं सजा रखी थी, सारा काफी सारा सारा किचन का सामान इसी में था, सब टूट फूट के अभी देखिए वहाँ पे पड़ा है। ये दिखाती हूँ तो सब देख रहे हैं, वहाँ पे सब सड़ रहा है सामान, कुछ फूट टूट गया है। तो ये मतलब कुल मिला के ना कैसे मैं बनाई हूँ, कितने दिन में बनाई हूँ और कैसे तिनका तिनका हम लोग जोड़े हैं। तो हमारा एक चैनल है अनीता जी की दुनिया नाम से, ब्लॉगिंग मैं उस पर करती हूँ, आप लोग वहाँ जाके देखिएगा। आप में से बहुत से दोस्त बोलते हैं कि मतलब पूरा पूरा अपना वीडियो दिखाई अनीता जी किचन पे ही, तो किचन पे तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस पर रेसिपी शेयर करती हूँ। और जिसे पूरा वीडियो दिखाने के लिए ना एक हमारा चैनल मैं बनाई हूँ, जिसमें अपना दिनचर्या मैं शेयर करूँगी, कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ, कैसे किचन के लिए इंतजाम करती हूँ, कैसे अपने बच्चों को देखरेख करती हूँ, कैसे अपना घर परिवार संभालती हूँ। तो एक हमारा छोटा सा चैनल है अनीता जी के दुनिया नाम से, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा, कैसे काम हो रहा है, कैसे बांस आया, कैसे ये तिनका आया, कैसे हम लोग जाके उसको बनाए हैं लाके, कैसे कैसे हम लोग इसके साथ मतलब वो किए हैं, अपना मतलब रूटीन किए हैं, खान पान कैसे किए, सब आपको हमारा ब्लॉगिंग वाला चैनल पे दिखेगा। तो दोस्तों आप लोग खुश हो जाइए देख के कि फिर से दोबारा से किचन तैयार होने वाला है एक नए लुक में। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा रेसिपी आप लोगों के लिए हम शेयर करें। आइए, जो किचन वाला चैनल है, आप लोग इतना कम दिन में इतना प्यार दिए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारा ये नया बिला कह लीजिए, मड़ई कह लीजिए, किचन कह लीजिए, तैयार है आप लोगों का प्यार से। तो फिर हम इसमें न्यू रेसिपी देखिए, अभी वहाँ काम चल रहा है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये ना मतलब मड़ई खराब ना हो इसके लिए नापा जा रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे छत हमारा डला हुआ है, बहुत ही जबरदस्त, आपको देख के अच्छा लगेगा। अब फिलहाल मैं दिखा के जल्दी से चलती हूँ क्योंकि बहुत सारा पकवान बना रहा है। तो देख रहे हैं कितना अच्छा एकदम सजा के और छत बना हुआ है, देखिए इतना अच्छा लगेगा ना आप लोगों को कि पूछिए मत। अभी बरसात का दिन है दोस्तों, लकड़ियां सब गीली है। तो दोस्तों काफी समय लग गया चूल्हा जलाते जलाते, अब एक कढ़ाई रखते हैं। देसी घी डाल के और सेवैया को भूनेंगे। यहाँ पर देखिए हम सेवई को कितना अच्छा सेक लिए हैं, एकदम कुरकुरी हो गई है। थोड़ा सा पानी भी मिला रही हूँ, कम दूध है। अब यहीं पे हम चीनी मीठे के अनुसार डाल देंगे। दो इलायची लिए हैं, मुंह खोल के डाल लेंगे इसी में, खुशबूदार हमारा सेवइयां बनेगा। सेवई खा के जाइएगा पानी लेने।
देख रहे हैं सेवई हमारा खोल गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जितना शक्ति हो उतना डालिएगा, और डाल के इसको मिला देंगे और हमारा सेवई कंप्लीट है दोस्तों। बड़े दिनों बाद बना है दोस्तों। तो दोस्तों खाने का समय हो गया है और मीठा में जो सेवई बनाए हैं वो हम लोग देखिए कैसे खाते हैं। अभी सब हम लोग को दिया तो जल्दी से आप लोग भी आ जाइए, सेवई देखिए बन गया है, मुंह मीठा कर लीजिए। तो भाई देखो सेवई के साथ क्या बना हुआ है, छोले भटूरे। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे पहले से दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं छोले भटूरे कैसे बनते हैं। निकल गो पकी ट्रोल हम पनीर चला कुछ इतना मेहनत कर मड़ई बनल बा ओकरा खुशी में बन जा तो मजा ही आ गई। ऐसे वही खा के मजा आ गया, साथ में छोले भटूरे हम लोग खा रहे हैं। छोले भटूरा कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, और आप लोगों को भी बधाई हो, मीठा मीठा मन हो गया खा के।